हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फ़ोन में जो स्क्रीन गार्ड जो लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है, स्क्रीन गार्ड लगाने का सही तरीका क्या है। तो इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्क्रीन गार्ड कैसे लगाया जाता है। ये मेरा LG G8X है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं LG G8X। तो इस फ़ोन के लिए मैंने स्क्रीन गार्ड मार्केट में खोजा, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से इसका स्क्रीन गार्ड मुझे मार्केट में मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैंने ये स्क्रीन गार्ड मंगा लिया है फ्लिपकार्ट से। ये इसमें मुझे दो स्क्रीन गार्ड मिलते हैं, तो एक पड़ा रहेगा, एक मैं लगाऊंगा। इसे मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या मिलता है, कैसा मिलता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये दो स्क्रीन गार्ड दिए गए हैं। ये देखिए, क्वालिटी ठीक ही है, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नहीं है, ये नॉर्मल क्वालिटी है। दोनों सेम एक जैसा ही स्क्रीन गार्ड है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये कुछ क्लॉथ्स दिए गए हैं और वाइप करने के लिए कुछ दिए गए हैं। ये वेट वाइप है और ये ड्राई वाइप है। ये दोनों स्क्रीन गार्ड के लिए दोनों अलग अलग दिया गया है, दोनों क्लॉथ भी अलग अलग दिया गया है। तो एक हम यूज़ करने वाले हैं इसमें और एक अभी यूज़ नहीं करेंगे। जब ये एक्सपायर हो जाएगा, टूट फूट कर बेकार हो जाएगा, इसे जब मैं हटाऊँगा तब दूसरा लगाऊँगा। तो इसे मैं रख देता हूँ। सबसे पहले हम अपने फोन को इस कवर से बाहर निकाल लेंगे। फोन आप देख सकते हैं काफी गंदा है, क्योंकि कवर के अंदर था, मैंने इसे साफ नहीं किया था। ये वाइप दिया गया है, इससे पहले ड्राई डस्ट को हटा लेते हैं। अब पहले हम वेट वाला यूज करेंगे। तो इसे मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। ये वेट मुझे नहीं लग रहा, इसमें ये भी ड्राई ही है, इसमें वेट नहीं दिया गया है। तो वेट तो इसमें दिया गया है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वेट करके इसे स्क्रीन को क्लीन करने के लिए मैं हैंड सैनिटाइजर यूज़ करता हूँ। हैंड सैनिटाइजर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हैंड सैनिटाइजर जो है इवापोरेट हो जाता है, तो इसलिए मैं हैंड सैनिटाइजर थोड़ा सा इसमें लेता हूँ। और अब इससे मैं साफ कर लेता हूँ स्क्रीन को अच्छी तरह से। हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और अल्कोहल किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए काफ़ी बढ़िया होता है, इसलिए मैंने हैंड सैनिटाइजर यूज़ किया है। तो अगर आपको भी स्क्रीन साफ करना है और कुछ वैसा मिल नहीं रहा है आपको, तो आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये साफ हो गया है, अब इसे साइड रखते हैं। अब ये वेट वाला निकालते हैं।
हालांकि वो भी वेट था, लेकिन उसे उसमें मैंने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया तो वो सॉरी ड्राई निकालते हैं, हालांकि वो भी ड्राई था लेकिन मैंने उसे वेट के तौर पे यूज़ किया हैंड सैनिटाइज़र डाल के, तब ये ड्राई वाला, इससे अब थोड़ा साफ कर लेते हैं। स्क्रीन साफ हो गया है, अब हम अपना स्क्रीन गार्ड निकालते हैं। थोड़ा सा कहीं कहीं पर डस्ट आ रहा है, उसे भी साफ कर लेते हैं। अब इसे इस पर इस तरह से इधर से ऐसे ऐसे रखते हैं, इसे भी एक बार अच्छे से साफ कर लेते हैं, इसे ऐसे रखते हैं। अभी हम सिर्फ इस पर रख रहे हैं, अभी हम इसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये रख कर इसका पहले साइज वगैरह देख लेते हैं, साइज बिल्कुल ठीक है, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गैप है जो कि होना भी चाहिए। अब हम लेंगे सेलो टेप। अब हम सेलो टेप का यूज करके इसे एक प्रॉपर जगह पे इसे फिक्स करेंगे। पहले सेलो टेप इस तरफ लगाते हैं, एक ही तरफ लगाइएगा, या तो इधर या इधर, एक ही तरफ लगाइएगा। हम दो सेलो टेप यूज करेंगे, एक ये हो गया, इसे पहले अच्छे से स्क्रीन को एक जगह से इसका सही जगह वहाँ और हम इसका ये जो पीछे वाला जो फिल्म है फिल्म को निकाल लेते हैं। ये देखिए फिल्म आराम से निकल गया। थोड़ा सा डस्ट आ रहा है स्क्रीन पे, डस्ट थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अच्छा और अब इस टेम्पर्ड ग्लास को स्क्रीन पे पटक देते हैं। देखिए टेम्पर ग्लास को हमने स्क्रीन पर पटक दिया है, बीच में थोड़ा सा प्रेस करते हैं और यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, अगर कहीं बीच में एयर आ रहा है तो उसे प्रेस करके निकाल दीजिए। चारों तरफ अच्छे से चिपक चुका है टेम्पर्ड ग्लास, तो अब ये टेप का काम खत्म हो गया है। टेप को अब हम निकाल देते हैं, इधर से भी हम टेप को निकाल देते हैं। ये हमारा टेम्पर्ड ग्लास लग चुका है, अब इसे थोड़ा अच्छा से साफ कर लेते हैं। ऐसे साफ नहीं होता है तो फिर से वही फॉर्मूला, हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं, हैंड सैनिटाइजर साफ कर लेते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हैंड सैनिटाइजर आपके फ़ोन के अंदर ना जाए, इसलिए मैंने हैंड सैनिटाइजर को डायरेक्ट स्क्रीन पे स्प्रे नहीं किया। इस जो
ये जो छोटा सा पीस दिया गया इस पर मैंने स्प्रे किया। हैंड सैनिटाइज़र अगर फ़ोन के अंदर जाता है तो फ़ोन का जो ग्लू होता है वो निकलने लगेगा, ग्लू इसका कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए हैंड सैनिटाइज़र को फ़ोन के अंदर नहीं जाने देना है। अब इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि ये टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर काम करता है या नहीं। तो हाँ, ये काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये टेम्पर्ड ग्लास बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।